रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों की बढ़ रही घुसपैठ, हिंदू आबादी को लेकर किरीट सोमैया चिंतित। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सुरक्षित है बयान का समर्थन किया और मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया कि अगर यही हाल रहा तो मुंबई में हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 54% रह जाएगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट का दिया हवाला। किरीट सोमैया ने कहा, पीएम मोदी कहते हैं एक हैं तो सुरक्षित हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। मेरे पास टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह से मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी की संख्या बढ़ रही है उससे शहर में हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी। इसलिए हम भाजपा कहते हैं एक हैं तो सुरक्षित हैं कांग्रेस नेताओं के दावों पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि वे मुंबई में सभी अवैध मस्जिदों को मान्यता देंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि वे लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाने की अनुमति नहीं देंगे और सभी लव जिहाद के मामलों को वापस लेंगे। इसलिए मतदाताओं ने एक है तो सुरक्षित है का फैसला किया है। संजय राउत ने पीएम मोदी पर बोला हमला। इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने धुले रैली में प्रधानमंत्री मोदी के एक हैं तो सुरक्षित हैं बयान की आलोचना की और इसकी व्यवहार्यता पर सवाल उठाया और इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र के लोग पहले से ही सुरक्षित हैं, भाजपा को बाहर करके सुरक्षित रहना पसंद करेंगे। संजय राउत ने कहा, पीएम को ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत है, बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ काम नहीं आया और महाराष्ट्र के लोगों ने इसे बाहर कर दिया। अब एक हैं तो सुरक्षित है वह किसे एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राज्य और देश के सभी लोग आपके नहीं हैं? हम महाराष्ट्र में सुरक्षित हैं और हम और भी सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसलिए हम बीजेपी को बाहर कर देंगे।